हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुरेखा स्पेशल रेसिपी में। आज हम देखेंगे केक सीरीज के पार्ट 9 में डॉल केक। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब डॉल केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके के दो बर्तन लिए हैं। एक है छोटा वाला कुकर का डब्बा और एक है इस टाइप की कटोरी। अब इस तरीके से हम इन बर्तनों को रखते हैं तो ये डॉल शेप में आ जाएगा, यानी डॉल केक का टीन नहीं है। तो इस तरीके के दो बर्तन लेकर हम डॉल शेप स्पॉन्ज बना सकते हैं। सिर्फ हमें बर्तन वही लेने हैं जो एक दूसरे के फेस टू फेस आ सके। अब हम इन दोनों बर्तन को तेल से अच्छे से पहले ग्रीस कर लेंगे। अब तेल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इन दोनों बर्तनों में थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे। हम यहाँ पर दोनों बर्तनों को मैदे से डस्टिंग कर रहे हैं। अगर हम डस्टिंग नहीं करना चाहते तो बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। बटर पेपर यूज करने से या फिर इस तरीके की डस्टिंग करने से हमारा जो केक है वो आसानी से डिमोल्ड होता है। अब मैदा अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम हटा देंगे। अब हम हमारा होममेड ओवन तैयार करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा भगोना लेंगे, इसमें एक बड़ा सा स्टैंड रखेंगे, स्टैंड के ऊपर एक थाली रखेंगे और ऊपर से ढक्कन रखकर गैस की फुल फ्लेम करके इसे पूरे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमने यहाँ पर बड़ा सा भगोना इसलिए यूज किया है क्योंकि हम केक के दोनों जो बर्तन हैं एक साथ रखने वाले हैं। अगर हमारे पास इतना बड़ा भगोना नहीं हो तो हम दो टीन के लिए दो ओवन तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है 1.5 कप। अब हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, लेकिन हम आवश्यकता के अनुसार ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे। अब इस बैटर में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इस बैटर को हम तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक पूरा ऑयल बैटर एब्जॉर्ब ना कर ले। अब हमें जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की रखनी है। अब इस तरीके की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ 1.5 कप प्रीमिक्स के लिए 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। अब इस बैटर को हम तुरंत दोनों टीन में आधा आधा करके डालेंगे। अब इन दोनों टीन को हम 2 से 3 बार इस तरीके से टैप करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ओवन जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इन दोनों टीन को सावधानी से रख देंगे। अब इस पर ढक्कन रखकर गैस की फ्लेम को पूरे 5 मिनट तक हाई रखेंगे। फिर 5 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। अब एक बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि 25 मिनट से पहले ढक्कन खोलकर हमें बिल्कुल स्पॉन्ज को चेक नहीं करना है, नहीं तो हमारे ओवन का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। अब पूरे 25 मिनट होने के बाद हम इस तरीके से स्टिक से चेक करेंगे। अब बैटर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो स्पॉन्ज है वो परफेक्ट पक चुके हैं। अगर बैटर थोड़ा सा भी स्टिक को चिपकता है तो फिर 5 से 7 मिनट के लिए हम स्पॉन्ज को और भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग टाइम जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब इन दोनों स्पॉन्ज को हम रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब ये दोनों स्पॉन्ज बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो हम इसे किनारों से पहले ढीला कर लेंगे। अब इस तरीके से दोनों स्पॉन्ज को डीमोल्ड करेंगे। अब इन दोनों स्पॉन्ज को चाकू को इस तरीके से आगे पीछे करते हुए लेयर्स में काट लेंगे।
अब हमने आइसिंग करने के लिए यहाँ पर 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। इस क्रीम को हेवी क्रीम भी कहते हैं। अब एक बात का हमें यहाँ खास ध्यान रखना है कि ये जो व्हिप क्रीम है हमें यहाँ पर बिल्कुल ठंडी और मेल्टेड ही लेनी है। अब इस क्रीम को हम पहले 1 मिनट तक लो स्पीड पर और 1 मिनट के बाद हाई स्पीड पर व्हिप करेंगे। अब ये जो क्रीम है ये लगभग 4 से 5 मिनट में ही अच्छे से व्हिप हो गई है। अब हम इस बाउल को उल्टा करके चेक करेंगे। हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और गिर भी नहीं रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से एकदम परफेक्ट व्हिप हो चुकी है। अब हम इस केक की आइसिंग करेंगे, तो इसके लिए हम बोर्ड पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम इस तरीके से लगा देंगे ताकि केक की जो लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इस लेयर पर हम लगाएंगे शुगर सिरप, जो हमने 1 चम्मच चीनी का पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर बनाया है। अब हम इस लेयर पर डालेंगे चॉकलेट सॉस, क्योंकि हम केक जो है वो चॉकलेट फ्लेवर में बना रहे हैं। इससे चॉकलेट केक की टेस्ट जो है वो और भी रिच होगी। अब हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम और इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। बस अब हम सारी लेयर्स पर इसी तरीके से शुगर सिरप, चॉकलेट सॉस और क्रीम डालकर अच्छे से सेट करेंगे। अब सारी लेयर्स को सेट करने के बाद हम ऊपर की लेयर पर सिर्फ शुगर सिरप डालेंगे, चॉकलेट सॉस बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब सबसे पहले इस तरीके से क्रीम लगाकर सारी गैप्स को और केक को अच्छे से कोटिंग करेंगे। अब क्रम कोटिंग होने के बाद इस तरीके से फिर से ज्यादा क्रीम लगाएंगे ताकि केक को हम फ्रॉग का शेप दे सके। अब पैलेट नाइफ से इस सारे केक को हम इस तरीके से स्मूथ करेंगे। अब स्मूथ करने के बाद थोड़ा बहुत अगर स्पॉन्ज दिखता भी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पूरे केक पर फ्रॉक की डिजाइन बनाने वाले हैं। अब इस पाइपिंग बैग में हम इस तरीके का कपलर डालेंगे ताकि हम अलग अलग नोजल चेंज कर सके। अब आप देख सकते हो कि पाइपिंग बैग को हमने हाथ पर किस तरीके से पकड़ा है। अब हम इस बैग में क्रीम भरेंगे और साइड से थोड़ा सा रेड जेल कलर डालेंगे ताकि जो हमारी क्रीम है वो 2 कलर में तैयार हो। अब बैग में ही इसे हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब सबसे पहले हम बॉटम में फ्रॉक की इस तरीके से फ्रिल बनाएंगे। इस फ्रिल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्लावर नोजल यूज किया है। अब हम इस तरीके से बड़े बड़े फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमने यहाँ पर स्टार नोजल यूज किया है। अब इसी नोजल से हम ऊपर की साइड में इस तरीके से छोटे छोटे स्टार बनाएंगे। अब इस डॉल केक को बनाने के लिए स्पेशली इस टाइप की डॉल आती है, जो हमें 50 से 60 रुपए में मिल जाती है। अब इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हम डॉल को सेट करेंगे। यहाँ पर भी हम फिर से फ्रिल बनाएंगे, लेकिन ये फ्रिल हम इसी कलर में थोड़ा सा ब्लू कलर डाल के बनाएंगे।
अब डॉल का ऊपर का टॉप बनाने के लिए हम यहाँ पर एकदम छोटा वाला स्टार नोजल आता है वो यूज करेंगे। अब इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। अब इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर व्हाइट क्रीम में बिल्कुल थोड़ा सा ब्लू कलर मिला दिया है। इस डॉल केक को हम हमारे चॉइस के अनुसार किसी भी कलर से और किसी भी डिजाइन में डेकोरेटिंग कर सकते हैं। अब इस डॉल केक को बनाने के लिए हमने जितनी भी चीज़ें जितने भी टूल्स यूज किए हैं उन सभी की जानकारी मैंने पार्ट 5 के नाम से अपलोड की है। उस वीडियो में सभी सामान और उसकी कीमत क्या है इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी दी है और उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अब ये फ्रॉक और भी अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम थोड़े से सिल्वर शुगर बॉल्स लगा देंगे इस तरीके से। बन गया हमारा सुंदर सा डॉल केक। हमारा केक सीरीज का आज का डॉल केक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली केक रेसिपी में। तब तक स्वस्थ रहो मस्त रहो खाते और खिलाते रहो। थैंक यू।